रिलायंस म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण के द्वारा अर्थ समृद्धि को लेकर निजी होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, आइए देखते हैं। एमजेडियो मैं बार बार संभ्रांत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, अगर अर्थ समृद्धि रिलायंस की तरफ से अगर ये आप इसको गंभीरता से समझेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, आप आपको आमंत्रण जब तक हुआ होगा वहां पर आपको संकेत किया जाए, सवाल भी पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। पैसा हर के पास है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन सुरक्षित पैसा मेरा कैसे रहे इन संदर्भ में और सुरक्षित निवेश के संबंध में यह कार्यशाला आयोजित है। इसके लिए ब्यूरो के मृत्युंजय सिन्हा के स्वागत को नाता में सुख रहा हूं। हम गंभीरता से चिंतन करते हैं, हम पीछे लौटते हैं, एक दौर था कम होते चला गया और ऐसे में अब वह आकर्षण नहीं रहा जहां एक वक्त था कि 14% तक ताक घरों में रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत जैसा कि समूह आप मिश्रा जी पर ध्यान से लिख भी रहे थे तो उसको लिखने से पहले आप हमसे तो एक होता है चिंतन करके भरना, ईमानदारी से भरना और उसी ईमानदारी से भरने से प्रथम प्रश्न यही बनता है। दैनिक जागरण और रिलायंस म्यूचुअल फंड की यह प्रस्तुति है, निवेश जागरूकता अभियान है, निवेशक जागरूकता अभियान। दरअसल आजकल लोगों के पास अगर पैसे हैं तो समस्या यह है कि उस पैसे का बेस्ट रिटर्न कहां से मिलेगा, कहां उसे वो निवेशित करें जिससे कि उसे बेहतर और सुरक्षित निवेश कहा जाए और रिटर्न वो अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। क्योंकि अभी आपकी उम्र है, आप कमा रहे हैं, एक बेहतर जॉब कर रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भविष्य भी आपका इसी तरह से सुरक्षित रहे, संपन्न रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इस एज में प्लानिंग करें निवेश की। तो ये दिमाग में एक अवधारणा है कि कहाँ प्लानिंग करें जो बेहतर रिटर्न दे सके, सुरक्षित निवेश दे सके ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। इसलिए इस जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज अर्थ समृद्धि नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है जो निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे और लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे ताकि उनकी समझ निवेश के प्रति बढ़ाई जा सके।